शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनेजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनेजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। बोलो 84 वाले हनुमान जी महाराज की जय, 84 सरकार की जय। दोस्तों आज पांचवा दिन नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए और सभी चंबल संभाग वासियों के लिए, मेला महोत्सव डैन और GTPL नेटवर्क की संयुक्त प्रस्तुति अनेजा मॉल नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में मैं विवेक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी और जय रतनगढ़ वाली माता, जय शीतला माता और जय लोहड़ी माता और जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम बगीची सरकार की जय और लकेश्वरी मैया की जय। और दोस्तों आज हम आप सभी ग्वालियर वासियों को, सभी चंबल संभाग वासियों को आज दर्शन कराने वाले हैं भितरवार, यानी कि यहाँ से सीधे हम भितरवार के लिए निकलेंगे और भितरवार से सीधे नरवर और लकेश्वरी मैया के दर्शन आप करेंगे आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2023 की प्रस्तुति नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में। आज आपको लकेश्वरी मैया के 1150 जीने चढ़कर उनके दर्शन कराएंगे और लकेश्वरी मैया का मेला आपको दिखाएंगे और नरवर वाली मैया यानी कि लोहड़ी मैया का मेला भी आपको दिखाएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए ग्वालियर मेला महोत्सव फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर और डैन पर 156 और 158 नंबर चैनल पर और GTPL पर 52 चैनल नंबर पर आप देख सकते हैं नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमें विशेष सहयोग दिया है GTPL नेटवर्क और डैन के संचालक वीरेन शर्मा जी और GTPL के संचालक सुरेश यादव जी, संजीव कंसाना जी, हेवरन भाई साहब, सिक्की भैया और सभी GTPL नेटवर्क परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को, नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम को पूरे ग्वालियर वासियों तक पहुँचाए, पूरे चंबल संभाग वासियों तक पहुँचाए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से सीधे नरवर धाम और लकेश्वरी मैया के धाम पर चलते हैं और उनके दर्शन आपको कराते हैं बाय रोड और हमारी गाड़ी तैयार है। ठट 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 और 84 हनुमान मंदिर के जस्ट सामने आपको ये नाश्ते की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ का समोसा और कुल्लड़ वाली चाय बहुत फेमस है, दूर दराज से लोग आते हैं तो समोसा और कुल्लड़ वाली चाय अवश्य पीते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल कुल्लड़ वाली चाय बनती हुई। तो हम भी एक एक चाय पीकर यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं और एक एक चाय पीकर, यानी कि आज हमारे साथ कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं हमारे अनुराग झा, सिनेमेटोग्राफर और मैनेजर चंदन बरैया। हम तीनों लोग आज जा रहे हैं बाय रोड, तो पहले कुल्लड़ वाली चाय, यानी कुल्लड़ वाली चाय यहाँ की फेमस है आप देख सकते हैं। हाँ, ये कुल्लड़ वाली चाय एक एक चाय पीकर और सफ़र तय करते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं मैया के धाम। और सफ़र को तय करते करते अब हम यहाँ पर आ चुके हैं भितरवार, ये हमारा पैतृत्व क्षेत्र भी है और भितरवार में हम आ चुके हैं और भितरवार से यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त में भितरवार का ये प्रसिद्ध स्थान है दियादाय बोलते हैं। हाँ, दियादाय। क्या नाम है आपका? रुद्रदेव शर्मा। ये हमारे भतीजे हैं, हमारे बड़े भैया के बेटे जो भितरवार में रहते हैं, हमारे बड़े भैया। और आपका? सागर शर्मा। तो यहाँ की क्या मान्यता है दियादाय की? पार्वती जी का मंदिर है और दियादाय है, नदी है, यहाँ पे घाट है, अच्छा लगता है। नदी का नाम भी पार्वती है। हाँ। और भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, भगवान शंकर का। हर सोमवार की सोमवार यहाँ पे मेला भी, मतलब भक्त आते हैं। हाँ, मेल, हाँ, दूर जगह से मेले के लिए आते हैं दर्शन करने के लिए। और शिवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ। हाँ, मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। हाँ, ये हमारे छोटे भतीजे, आप देख सकते हैं दियादाय, ये पार्वती नदी। हाँ,
माँ पार्वती नदी का ये किनारा और ये घाट है, यहाँ पे शाम को आरती भी होती है। उधर की साइड को सासन है। तो ये कौन सी नदी है? ये सासन है। सासन, सासन गांव है ये। ये सासन गांव है ये। और आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े घाट यहाँ पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हमारे कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हमारे अनुराग झा, और हमारे चंदन भैया तैयार बैठ चुके हैं नहाने के लिए। आप देख सकते हैं। हाँ भैया, नहा रहे हो क्या? ये आप जो डुबकी लगाने वाले हैं कुछ ही पलों में, और उसके साथ डुबकी लगाएंगे हमारे अनुराग झा भी डुबकी लगाएंगे, थोड़ी सी इनकी हरारत दूर हो जाएगी और हम भी डुबकी लगाएंगे। चलिए नहा धोकर अब फिर सीधे आगे बढ़ेंगे लखेश्वरी माता के धाम पर, और वहाँ की आरती यानी कि 5:30 बजे और 6:45 के वक्त आरती भी आपको दिखाएंगे, और लखेश्वरी के बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे लोड़ी मैया की नरवर। तो चलिए अब यहाँ से नहा धो के आगे बढ़ते हैं। चटौली ग्राम में है लखेश्वरी धाम, और भितरवार से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है लखेश्वरी माता का ये मंदिर। और अभी हम चटौली गांव में पहुंच चुके हैं, और चटौली गांव से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है लखेश्वरी माता का मंदिर, जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारे कैमरामैन अनुराग झा ये शूट करते हुए, और आप देख रहे हैं पहाड़ों के बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच और पहाड़ पर, यानी कि 1150 चढ़कर सीधे आपको दर्शन कराएंगे माता रानी के, और आपको आरती भी दिखाएंगे माँ लखेश्वरी मैया की। आरती भी आप देखेंगे और श्रद्धालुओं से जानेंगे और पंडित जी से जानेंगे माता लखेश्वरी की कथा और माता लखेश्वरी की कहानी। तो चलिए आप सीधे चलते हैं यहाँ से बाय रोड सीधे लखेश्वरी धाम पर। मैया रानी की यात्रा शुरू होती है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर माँ लखेश्वरी का ये द्वार। बोलो लखेश्वरी मैया की जय। और ये आप देख सकते हैं ये चटौली ग्राम है, और चटौली प्रसाद की दुकानें चालू हो चुकी हैं, और यहाँ पर माँ का प्रसाद यहाँ पर मिलता है, और प्रसादी की दुकानें यहाँ से चालू हो चुकी हैं, और लगभग 1150 जीने चढ़कर माँ के धाम तक पहुँचते हैं सभी श्रद्धालु। अब ग्वालियर मेला महोत्सव की गाड़ी पहुँच चुकी है माता के धाम पर, और ये माता का ये ये द्वार है, और यहाँ से जीने चालू होते हैं लगभग 1100 के करीब ये जीने हैं, और यहाँ से सभी श्रद्धालु आते हैं और माँ के दर्शन करने आते हैं। देख सकते हैं ये जो जीने गए हुए हैं ये बिल्कुल सीधे जीने जाते हैं माता के धाम पर, और आप देख रहे हैं ये माता का शिखर, आप देख रहे हैं ये माता का शिखर। आप चलिए आपको दर्शन कराते हैं, लगभग 1100 जीने चढ़कर और सीधे चलते हैं माता के धाम पर और माता के दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ पर अगर आप जीने से जाना चाहते हैं तो जीने से भी जा सकते हैं, और एक बाय रोड भी, एक रोड अभी नया बन गया है, और रोड के द्वारा ये पूरा रास्ता ये जंगल में से होते हुए सीधे माता के धाम तक गया है, ये रास्ता अभी नया रास्ता चालू हो गया है, और गाड़ी भी जा सकती है, 4-पहिया वाहन भी जा सकते हैं, और मोटरसाइकिल या बाइक भी आपकी जा सकती है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं माता के धाम पर और माँ के दर्शन कराते हैं आप सभी को। और चलिए चलते हैं सीधे 1100 जीने चढ़कर सीधे माता के धाम पर, और माँ सभी पे कृपा बरसाती हैं, और हमारे बुजुर्ग भी जीने से उतर कर आते हुए माता के दर्शन कर लिए। माता जी करिए कितने जीने? 1100 ये है, 7 ससुरी और जना 7
अच्छा, मतलब 760 के करीब जीने हैं। तो आप एक बार में चढ़ गए थे? भैया ये पुराना देसी घी है। हाँ, कहाँ से आए, किस गांव से आए हो आप? ये रूगढ़ में रहिए। अच्छा, रूगढ़ मुई से आई है। आप देख सकते हैं ये जीने, बिल्कुल खड़े जीने, खड़े आप देख सकते हैं। आया पीछे 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 और चलते हैं। ये 760 खड़िया हैं, और बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक और दूसरा रास्ता है, जिससे बाय रोड अपन जा सकते हैं। यानी कि कार भी जा सकती है, मोटरसाइकिल भी जा सकती है, बाइक भी जा सकती है, और साइकिल भी जा सकती है। बुजुर्गों के लिए एक नया रोड बनाया गया है और सीधे धाम पर जाता है, मैया के धाम पर। चलिए, अभी तक मैंने आपको दिखाई सीढ़ियाँ, और अब आपको नया रास्ता दिखाता हूँ। सीधे धाम पर ऊपर चलते हैं, और आपको नए रास्ते के द्वारा आप देखेंगे कैमरे के माध्यम से ये नया रोड जो सीधे मैया के धाम पर जाता है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ ऊपर। मैं यहाँ से चालू होता है, आप देख सकते हैं सूर्य भगवान पहाड़ों के ऊपर विराजमान है, और ये रास्ता अभी नया काटकर, पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। ये नया रास्ता आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच से होते हुए मैया के धाम पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, अरे ऊंचे भवन है मेरी जय जयकार। देखिए ये पुल, सावन के महीने में यहाँ का बड़ा ही शानदार नज़ारा रहता है। आपको अब ऊपर लेकर चल रहा हूँ, बस लीजिए, डल चुका है हमारा। अरे जोर से बोलो जय माता के हुए, तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। बोलो लखेश्वरी भैया की जय। आज की है हमारी गाड़ी, और भैया के धाम पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि अभी शाम के, और ये माँ का ध्वज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माता के धाम पर आ चुके हैं हम, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ये मंदिर स्थित है, माँ लखेश्वरी माता का ये मंदिर, और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ की कहानी भी आपको, और यहाँ की कथा अभी आपको सुनवाएंगे पंडित जी के द्वारा। और आप देख रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं माँ का ये ध्वज लहराता हुआ। बोलो लखेश्वरी मैया की जय। संभाग से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माँ लखेश्वरी माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। और एक फैमिली यहाँ डबरा से आए हुए हैं। माता जी कहाँ से आए हुए हैं आप? डबरा से। डबरा में कहाँ से? किन्नौर रोड डबरा से आए। तो दर्शन कर लिए माता के, क्या मांगा माता से? बस जी खुशखबरी, और क्या है, बच्चों को खुशी रहे, बच्चों को आशीर्वाद बनाए, आशीर्वाद मिले, सुखी रहे। तो माता जी कोई भेंट आती है आपको? दरबार चमकेगा जब तक ज्योति जले माता, चमकेगा जले मोरी जय जयकार माँ के मंदिर में, हो रही जय जयकार माँ के मंदिर में, माँ
बोलो माता लकेश्वरी मैया की जय। लकेश्वरी मैया की जय। आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर का नंबर वन मॉल है, ये माता की चुन्नी एक आपके लिए, और यहाँ पर लहंगे और साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। अनेजा मॉल मोर बाजार महाराज बाड़े पर है, और एक आपके लिए अलवेल सिंह गुरैया जी की ओर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए शिवराज यादव जी की ओर से एक आपके लिए, और एक और आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर से एक आपके लिए। और आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा अनेजा मॉल ग्वालियर में। आपको बस नाम लेना है ग्वालियर मेला महोत्सव में। और दोस्तों मेरे साथ में सरनानंद महाराज जी यहां पर मेरे साथ उपस्थित हैं, और एक पीढ़ी इनकी सेवा में लगी हुई है। और कितने वर्ष हो गए महाराज जी आपको माँ की सेवा करते? माँ की सेवा करते करीबन 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गए आपको। माँ की जो कहानी है, जो कथा है, वो सभी जो देशवासी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो सब सुनना चाहते हैं। और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग और जो नई पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गेम वगैरह ये जोन में ज़्यादा लग जाते हैं, और वो जो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारे भारतीय कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको और चंबल संभाग के सभी छोटे बच्चों और सभी युवाओं को ये कहानी और जो कथा है माँ माई की, वो आप बता दें। हमारे माँ की कथा से हमको जो जानकारी है, मैया जो है एक विराक्षण राम का राक्षस रतिया बनना रहता था, उसके माँ को इतना परेशान किया, उन्होंने माँ किया मैया ने उस वही देवताओं ने उनको। इधर राजा नरवर में राजा नर थे, तो उनका राज्य छिन गया था, तो वो जंगल में भटकते भटकते रात्रि में वहीं मंदिर पे पहुंच गए। वहाँ जा करके उन्हें आराधना की, तो उनने कहा कि तुम अपने राजधानी में ऊंचे पर्वत पर मुझे ले चल और मेरा मंदिर बना, तेरा राज्यपाल वापस हो जाएगा। तो उनके साथ मैया आई, उन्होंने इस पहाड़ी पे आकर के जो है मैया का मंदिर बनवाया। तो यहाँ टीला बना हुआ था, तो उसमें चिटोली में एक बड़ा रुपया आई, उसकी सराई तो बाने का आग में जो है लकेश्वरी माँ हूँ। तो बोले एक रावत समाज की एक डोकर थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, 60 वर्ष की हुए थी, तो उन्होंने आराधना करी, तो उनके उनके दो बच्चे हुए, बच्चे हुए तो उन्हें सामने गांव ने मिल करके इससे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण कराया, और जयपुर से मैया की मूर्ति लेके आए, उन्होंने ये स्थापना कराई। उसको करीबन हो गया होगा 70-80। तो यहाँ पे दूर दराज से सभी श्रद्धालु आते हैं। क्या हुआ, उन्होंने जो है छोटा सा मंदिर बना दिया, तो पहले जो है कोई रास्ता नहीं था, ऊट पटांग जगह वो निकल के मैया के दर्शन को आती। मेला तो हमेशा से कोई 11 वर्ष का चलता रहा है। उसके बाद में एक बगेल संत थे, वो जो यहाँ पे आए, तो उन्होंने अपने बगेलों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आप जो है जीना लगवाओ, तो उन्होंने मिलकर के जीना लगवाया। उसके बाद में फिर उन्होंने हमारे रावत समाज को बुलवाया, बोले तुमको मंदिर बनाना पड़ेगा, तो छोटी सी मड़िया मिटार के फिर इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कराया 85 में मंदिर तैयार हो गया। 85 में, हाँ, सन 85 में मंदिर की स्थापना वो एक। उसके बाद में फिर अच्छा मेला चलने लगा, दूर दराज से लोग आने जाने वाले लगे। उनके बाद में एक बार मेला लग रहा था यहाँ, फिर जो है धीरे धीरे करके जो है मेला बढ़ता गया, अब तो जो है बहुत बाहर से लोग आने, अष्टमी और नवमी पर लाखों की श्रृंखला में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। मतलब दरबार से ही तांता लगना स्टार्ट हो जाता है श्रद्धालु होगा यहाँ तो जो है बाहर के दिल्ली तक के बॉम्बे तक के बहुत दूर दूर के यात्री जो है आने जाने लगे। इस मैया का चमत्कार वो है कि जो है जो जिस भाव से आता है उसका कार्य पूरा होता है, कार्य पूरा होता है, मतलब सबको माँ अपना आशीर्वाद देती है, अपना आशीर्वाद देती है, जिस भाव से आता है निश्चित रूप से स्वीकार करती है माँ, और वो प्रतिफल देती है।
और ये जो है नवरात्रि में पूरा 9 दिवस तो मेला वैसा चलता है, श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ रहता है, और उसके बाद एक दिन छोड़ के 1100-1200 को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। 1100 और 1200 को दो दिन बहुत बृहद मेला लगता है इस क्षेत्र का। और यहाँ पर जो है दंगल भी होता है दूसरे दिन दंगल होता है। और उस दंगल में जो है हरियाणा, पंजाब और बॉम्बे तक से जो है पहलवान आते हैं। 41,000 की इस बार जैसे झंडी है, प्रथम झंडी वो पहलवानों के लिए रखी जाती है। हाँ, और जो भी सब वो झंडी को मतलब जीतता है प्रथम उस पे आता है, 41,000 उसे दिए जाते हैं, सेकंड वाले को 31,000 दिए जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह रावत। सुरेंद्र सिंह रावत जी, आप कहाँ पे निवास करते हैं? मैं निवास मेरा पास में है, 3 किलोमीटर पर गाजना गाँव है। गाजना गाँव हाल ग्वालियर रहता हूँ मैं अभी जो है यहाँ 24 घर या था अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष पद हूँ यहाँ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पद पर आप कार्यरत हैं। आप फिटनेस से, आप भी खेल से जुड़े हुए या कुश्ती से जुड़े हुए लगते हैं मुझे तो? नहीं, खेल भी रहा है मेरे जीवन में, लेकिन मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ, प्रिंसिपल से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और माँ की सेवा से जो बताया आपको, 91 में यहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ था और बहुत बृहद यज्ञ हुआ था, समाज के द्वारा, रावत समाज के द्वारा आयोजित किया गया था, तो उसमें भी मैं महासचिव था। अच्छा, और आज भी तब से हाँ, और महासचिव का माँ की सेवा में लगे हुए निरंतर हमारा समाज पूरा लगा हुआ है, क्षेत्रीय लोग भी लगे हुए हैं, और आज जो ये स्थिति जो देख रहे हैं अच्छी, और माँ की जो संजीदगी और यहाँ लोगों का आवागमन, वो पूर्व माँ की कृपा है, लोग बरस रही है, इस क्षेत्र पर बरस रही है, भक्तों पर बरस रही है। और ये नया रास्ता जो बना है इसमें सभी का योगदान है? इसमें सभी का योगदान क्या, ग्रामवासियों सबका है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का इसमें सबसे ज़्यादा, जो केंद्रीय मंत्री उस समय थे और आज भी हैं भारत सरकार के, उनका सबसे ज़्यादा महती उनका योगदान इसमें रहा। और सफल प्रयास के हमारे को और बच्चों को जो पहले परेशानी रहती थी चढ़ने में, हाँ, वो जीने से ही आते थे, अब वो बड़े आराम से ऊपर तक आ सकते हैं। उसमें प्रयास हमारे जवाहर सिंह जी विधायक थे समाज के ही, उनका भी योगदान उसमें रहा, मतलब सभी लोगों का क्षेत्रीय तो था ही, और ये पानी की टंकी वगैरह बनाई और ये मंदिर तो रावत समाज के। बोलो मैया रानी की जय। और एक एक और है आपके लिए, एक आपके लिए ये शिवराज यादव जी जिला पंचायत सदस्य ग्वालियर की ओर से, एक आपके लिए, और एक सर एक आपके लिए अनेजा मोल ग्वालियर की ओर से, एक आपके लिए, और सर एक आपके लिए भी है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। अब आपका मोबाइल कभी भी टूट जाए, फूट जाए या पानी में चला जाए, तुरंत ठीक करके देंगे, टोपी बाजार में सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए, एक महाराज जी एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल। ये बड़ा ही शानदार मॉल है अनेजा मॉल, एक बार आप चले जाएंगे ना, 4 मंजिला मॉल है, आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे अपने बहू के लिए, बेटी के लिए और आंटी जी के लिए, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, और दादाजी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से, और बाबा जी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, एक आपके लिए, और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, और एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर से। चलिए दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं माँ लकेश्वरी मैया के, आपको दर्शन कराते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं माँ के दरबार में, और माँ के दर्शन, और आपकी जो भी मनोकामना है आपकी पूर्ण करेगी माता रानी। और अगर आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो घर बैठकर दर्शन कीजिए और जो भी मनोकामना है सच्चे मन से मांग लीजिए मैया से। बोलो लकेश्वरी मैया की जय। और चलिए दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं माई के, पर माई के दर्शन से पहले आपको दिखाना चाहूँगा कितनी ऊंचाई पर हम यहाँ, हजार फीट की ऊंचाई पर अभी हम यहाँ पर हैं, और आप देख रहे हैं ये रास्ता जो हमने पितरवार से आते हुए आए थे, और यहाँ से एक रास्ता ये जाता है सीधे नरवर, डबरा से नरवर के लिए। ये पहाड़ी अरसी बांध के पास से होके गुजरता है, जो अरसी बांध में है, चलो समय कैनाल। और दोस्तों, आप चलिए आपको दर्शन कराते हैं मैया रानी के, और माँ के दरबार में अभी हम मौजूद हैं,
और आप दर्शन कर रहे हैं लखेश्वरी मैया की। और लखेश्वरी मैया के दर्शन कर रहे हैं आप सभी श्रद्धालु, और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया रानी से, और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी मैया रानी। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर माँ लखेश्वरी का ये प्रसिद्ध मंदिर, और माता के दर्शन आप टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है हाथ जोड़कर मांग लीजिए मैया रानी से, और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी माँ लखेश्वरी मैया। और आप टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं लखेश्वरी मंदिर का निर्माण सन 1986 में रावत समाज के घर 24 द्वारा कराया गया था, जिसकी लागत लगभग 10,75,000 रुपए थी, और महंत श्री सुमेर दास जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा और उनके प्रयासों से ये मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप माता के दर्शन कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और जो पुरानी मणि थी माता की उसके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये जो पुरानी मणि थी माता की उसके दर्शन आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए माता रानी से। बोलो लखेश्वरी मैया की, बोल लखेश्वरी मैया की।